Well, so now let's move forward. आगे हम लोग next जो rest part है उसको explain और okay let me explain and elaborate that. Right. Okay, these lines have already been explained and elaborated in first part. Right. So now, timber. Yeah, from timber is to be started. Timber was being floated down this great Indian River. Right. From forest further up and there were sleepers. क्या है timber? क्या है actually timber? एक जो है basically उसे तो prepared wooden pieces कहते हैं, means ready for making buildings or furnitures, right? तो क्या है कि कई जगहों पर लोग जो पीसेस ऑफ वुड हैं उनको वाटर में प्लेस कर देते हैं कुछ समय के लिए, राइट? और कई बार कई जगहों पर भी ऐसा भी पाया गया है कि लोग वहाँ पे रिवर में उसको प्लेस कर देते हैं, आगे उसका फ्लो में रिवर के फ्लो के साथ वो बहते हुए आगे जाते हैं और उन्होंने कोई एक सर्टेन प्लेस बनाया है, वहाँ उसे जा करके वो रिसीव कर लेते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं. अच्छा, दिस ग्रेट इंडियन रिवर फ्रॉम फॉरेस्ट फर्दर अप एंड देयर वर स्लीपर्स लाइंग स्टक अराउंड द स्टोन्स. अब स्लीपर्स क्या हैं? ये तो और हैवी पीसेस हैं, जैसे कि आप देखते हैं बिग ट्रीज हैं, उनके जो स्टेम हैं, जो स्टेम पार्ट होता है, वाइट पार्ट होता है, अगर वो उसके जो है कट पीसेस हैं उसको स्लीपर्स कहते हैं. तो यहाँ पे जो राइटर हैं ये नोरा बर्क, यहाँ पर काफ़ी जो सराउंडिंग्स का डिस्क्रिप्शन उन्होंने किया हुआ है कि एक रिवर है, वहाँ पर टिम्बर है, वहाँ पे स्लीपर्स हैं, और वो कैसे हैं, अराउंड द स्टोन्स अंटिल समवन केम टू डिसलॉज देम एंड सेंड देम ऑन देयर वे. तो वो बड़े बड़े स्लीपर्स हैं, लॉग हैं, वुडन लॉग हैं, और वो वहाँ पे तब तक रहते हैं जब तक कोई उनको वहाँ से रिमूव नहीं करता है, राइट, आगे बढ़ने के लिए, या फिर जो फ्लड है, और अनटिल फ्लड्स लिफ्टेड देम एंड जोसल देम अलोंग, उनको पुश नहीं करती है आगे बढ़ने के लिए, राइट. द क्रोकोडाइल हैड नो नीड टू हाइड हिमसेल्फ. देखिए, क्रोकोडाइल को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसे अपने आप को हाइड करने की, यू नो दैट, क्योंकि वो तो इतना वायलेंट है, फेरोसस है, राइट. ही केम टू रेस्ट इन द ग्लासी सैलूज. ग्लासी क्या है? एक साइनी है, आप कह सकते हैं स्मूथ है, और सैलूज का है जहाँ पे लेस वाटर है, रिवर का बैंक है, राइट. केम टू रेस्ट इन ग्लासी सैलूज एमंग लॉक्स, और वहाँ पे वुडन पीसेस हैं उनके बीच में है, एंड बैलेंस्ड देयर ऑन टिप टू ऑन द रिपल्ड सैंड. हाँ, अगर इमेजिन करिए, आपने कभी उसको क्रोकोडाइल को आपने कभी रिवर से बाहर आते हुए उसके अपने पैरों पर उसको राइट मतलब बिना नॉइस किए हुए आगे बढ़ते हुए देखा, राइट. तो जो है टूस के, जब टूस पर चलते हैं लोग, इन ऑर्डर नॉट टू मेक अ नॉइज ऑन द रिपल्ड सैंड. अब रिपल्ड सैंड क्या है? ये जैसे वाटर की वेव्स होती हैं, लहरें होती हैं, आप देखिए किस तरह से वाटर में आते हैं, तो उसी का शेप अब एक सैंड में भी बन जाता है. विद ओनली हिज रेस्ड आईज आउट ऑफ वाटर एंड रेज्ड नॉस्ट्रिल्स ब्रीथिंग द क्लीन सन एयर. सोचिए, रिकॉल करिए, कभी आपने क्रोकोडाइल को देखा है नदी के साइड में, सैलूज वाटर में, जहाँ पे वो अपना जो नॉस्ट्रिल है, माउथ है, थोड़ा सा पार्ट बाहर निकालता है, नोज,
और अपनी आईज और रेस्ट पार्ट वो अपने वाटर के अंदर ही रखते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन है कि मीन्स वुडन लॉक्स इन द सेलूज एंड यू नो स्लीपर्स आर देयर, नहीं हैवी वुडन लॉक्स एंड यू नो एमंग देम यू नो देर इज़ ए बिग क्रोकोडाइल एंड यू नो दैट हिज नॉस्ट्रिल एंड हिज आइज आर आउट ऑफ द वाटर एंड रेस्ट पार्ट ऑफ इज इन साइड वाटर, राइट? सो एंड रेज नॉस्ट्रल्स ब्रीथिंग द क्लीन सनी एयर, राइट? मीन्स दैट इज देर इज सन एंड सो द क्रोकोडाइल इज रेस्टिंग देयर एंड टेकिंग एयर, राइट? Around him broad sparkling water. Around him broad sparkling water traveled between cliffs and grass. अब क्या है, क्रोकोडाइल के जो अराउंड है वो स्पार्कलिंग वाटर है। स्पार्कलिंग क्या है कि जब उस पर धूप पड़ती है, सन पड़ती है, तो वहाँ पे एक जो साइनी एक ब्राइटनेस जो है वो आपकी स्पार्कलिंग हो गई। जैसे कि आप देखते हैं अचानक तेज़ ब्राइट, जैसा जब आप क्रैकर्स छोड़ते हैं या फिर वेल्डिंग मशीन में जब आप वर्क करते हैं तब स्पार्क निकलते हैं। तो यहाँ पे इसे कंपेयर किया गया है, मतलब क्या है कि वाटर स्पार्कलिंग है क्योंकि सनी है, सनी डे है। तो क्या है कि वो जो वाटर है वो ट्रेवल है, जो क्लिप्स क्या होते हैं, एक नैरो जो प्रोजेक्टेड पार्ट होता है बाहर, नुकीला निकला हुआ पार्ट ऑफ रॉक दैट इज नोन एज क्लिफ। तो क्लिप एंड ग्रास यू नो रॉयल हिल्स। तो क्या है जो वहाँ पे हिल है, वहाँ रॉक है, वहाँ ग्रास है, वहाँ से जो पानी ट्रेवल करते हुए आता है। अ जंगल ट्रैक केम आउट ऑफ स्क्रब ईच साइड एंड डाउन। तो क्या है कि रिवर के साइड में एक ट्रैक बन गया है जहाँ पे लोग मूव करते हैं, स्क्रब होता है, राइट, रबिंग होती है, उससे एक और रास्ता क्लियर होता है। ईस्ट साइड एंड डाउन द सन वाइटेंड स्टेपिंग स्टोन। सन वाइटेंड यहाँ पे देखिए पास्ट पार्टिसिपल यूज किया गया है। सन वाइटेंड का मतलब क्या है, धूप में वो सफ़ेद दिखते हैं, वाइट चमकते हैं, वो स्टेपिंग स्टोन्स हैं जब साइड में हैं जिस पर लोग मूव करते हैं, राइट? ऑन विच लिटिल फ्लाई कैचर वॉज फ्लर्टिंग एंड थ्रिलिंग। फ्लाई कैचर क्या है, जो फ्लाई को कैच करते हैं, राइट, वॉज फ्लर्टिंग। फ्लर्टिंग का मीन्स क्या है यहाँ पे, मूव करना, प्लेफुली मूव करना, राइट, एंड थ्रिलिंग एंड मीन्स बाई जनरेटिंग नॉइज और ए साउंड यू कैन से, राइट? तो क्रोकोडाइल ब्लैक इज ब्राउन अबव एंड एलो वाइट अंडर। तो जो क्रोकोडाइल है उसका डिस्क्रिप्शन है ब्लैकिश ब्राउन है अबव एंड एलोई वाइट अंडरले। आप सभी अगर रिकॉल करें तो देखते हैं कि जो आपके क्रोकोडाइल हैं उनका जो स्किन है, अपर स्किन है, वो किस तरह से होता है, ब्लैकिश ब्राउन होता है। जो लोअर स्किन होता है वो थोड़ा शॉर्प्ट होता है आर्म के पास, हल्का सा येलो इसलिए हुए। अंडर ले मोशनलेस एबल टू वॉच फॉर एवर टिल फूड केम। इन दिस वे जो क्रोकोडाइल है वो वहाँ पे रेस्ट है कर रहा है, वो मोशनलेस पोजीशन पे है, कब तक, जब तक कि वहाँ पे उसका कोई फूड नहीं आ जाता है, कोई शिकार नहीं कर लेता, हंट नहीं कर लेता। ऐसा देखा भी गया है कि ये अपने आप को उस सराउंडिंग में एडजस्ट करते हैं और मोशनलेस रहते हैं, और सडनली वहाँ पे कोई एनिमल आता है, कोई ह्यूमन बीइंग आता है, कोई बर्ड आता है, तो अचानक उस पर ये अटैक करते हैं और अपना उसे भोजन बनाते हैं, राइट? द एंटी
the anti-Diluvian, Saurian, this prehistoric juggernaut, ferocious and formidable. देखिए राइटर्स ने यहाँ पे लास्ट नंबर ऑफ एडजेक्टिव यूज किए हुए हैं. द एंटी डाइवेलियन का मतलब होता है इज वेरी वेरी ओल्ड. सॉरी मीन्स रेप्टाइल और यू कैन से लिजर्ड दैट. तो ये क्या है कि ये एक जो आपका लिजर्ड है उसी कैटेगरी में आता है क्रोकोडाइल और ये इज वेरी ओल्ड है प्री हिस्टोरिक. ये माना जाता है कि जिस समय जीसस क्राइस्ट के पहले जब फूड का क्लासिफिकेशन भी नहीं हुआ था, डिस्क्रिप्शन भी नहीं था कि कौन सा फूड कैसे क्या कौन खाता है या किस तरह का क्या है. ओके जगरनॉट यू नो दैट इज पावरफुल मीन्स यू नो दैट इम्प्रेसिवली पावरफुल है ना. डिस्ट्रक्टिव फोर्स क्या मतलब है. जगरनॉट का मतलब है कि वन हु हैज डिस्ट्रक्टिव फोर्स. तो क्या है ये पावरफुल है और इसमें डिस्ट्रक्टिव फोर्स है. ये फेरोसस है मीन्स वायोलेंट है. फॉर्मिडेबल का मीन्स टेरेबल है, बिग है, स्केयरिंग है, डरावना है. वास्ट फोर्स इन वाटर प्रोपेल्ड बाय द अनइमेजिनेबल एंड इरेसिस्टेबल पावर ऑफ द ह्यूज टेल. कभी कभी आप देखिए एनिमल्स इसको क्रोकोडाइल को अटैक करते हुए एनिमल पर किस तरीके से ये जो है वाटर को प्रोपेल करता है, किस तरह से इसकी टेल टर्न होती है राइट. और किस तरीके से ये इसका जो वाटर पर फोर्स होता है वो इरेसिस्टेबल होता है जिससे रोका ना जा सके. ह्यूज टेल ले लैप्ड बाय रिपल्स राइट. अ थ्रॉब इन हिज थॉट हिज माउथ रनिंग ऑलमोस्ट द होल लेंथ ऑफ हिज हेड. तो क्या किस तरीके से इसके जो थ्रॉट में वाटर जाता है राइट. किस तरीके से ये जो है आपका जो वाटर है ना, जब ये आपका लैप्ड बाय रिपल्स जो वाटर इसके माउथ में जाता है और किस तरीके से वो उसकी उसकी जो टंग पोजीशन होती है ना, उससे ओके एक नॉइज जनरेट होता है, साउंड जनरेट होता है. ले लैप्ड बाय रिपल्स अ थ्रॉब इन हिज थ्रॉट हिज माउथ रनिंग ऑलमोस्ट द होल लेंथ ऑफ हिज हेड. उसका डिस्क्रिप्शन है आप देखते ही हैं कि उसका जो है किस तरीके से जो माउथ है फेस है वो नोजी हो जाता है, आगे की ओर बढ़ता चला जाता है. रनिंग ऑलमोस्ट द होल लेंथ ऑफ हिज हेड वॉज क्लोज्ड एंड फिक्स्ड इन दैट ईविल बोनी स्माइल. तो ये उसका एक तरह का फिजिकल डिस्क्रिप्शन है क्रोकोडाइल का, जो कि उस रिवर के उस सेलोलेस वाटर वाले पार्ट में है ना. उसका फिजिकल अपीरियंस उसका डिस्क्रिप्शन है वॉज क्लोज्ड एंड फिक्स्ड इन दैट ईविल. इसकी ईविल बोनी स्माइल कहा गया है राइट. बोनी स्माइल कहते हैं कि वो स्माइल जिसमें क्रूरिटी हो, जिसमें कोई हिडन पर्पस हो राइट. तो उसकी ईविल बोनी स्माइल है क्योंकि दैट ही इज यू नो दैट ही अटैक्स ही ट्रैप्स द लिविंग बीइंग ओके एंड वेयर द येलो अंडरसाइड केम अप टू इट इट वॉज टिंज्ड विद ग्रीन एंड वेयर द येलो अंडरसाइड. जब हमने अभी बात की थी कि उसके अंडर आर्म्स या उसका जो निचला पार्ट है हल्का सा येलो ही से उस पर कुछ रिफ्लेक्शन होता है, तो हल्का सा जो टिंज्ड है ना विद ग्रीन, ग्रीन इस समझ में आता है. तो इन दिस वे दिस वॉज यू कैन से फिजिकल अपीयरेंस डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रोकोडाइल. दैट मीन्स इज इम्प्रेसिवली पावरफुल राइट. And you, how he opened his mouth, how he took water, and how he generate a sound, right? So that was given. From the day perhaps 100 years ago, right? Generally, aisa consider karte hain log kuch ki ye 70, 80, 100 years ki ya kuch iske above bhi. इनकी एज नियरली 100 years के आसपास है. तो यहाँ पे राइटर लिखते हैं फ्रॉम द डे
Perhaps 100 years ago, उनको ऐसा लगता है कि जो क्रोकोडाइल है वो मोर देन 100 ईयर्स है, वो ईयर्स ओल्ड है. तो यहाँ पे उसका जो डिस्क्रिप्शन है, वैन द सन हैड हैस्ट हिम इन अ सैंड बैग. अब क्या सन हैस्ट का मतलब क्या होता है कि जो इस जो इसका एग है, जिससे कि जो एग होते हैं वो गर्मी पा कर के ही एक्चुअली उसे जो जो बेबीज़ हैं वो बाहर आते हैं, जो भी हैं जिस एनिमल के हैं, जैसे क्रोकोडाइल बेबी हैं, तो वो जब उनके एग पे हीट पड़ती है एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो दे हैच. सो इन दिस वे द यहाँ पे मेंशन किया गया, द सन हैड हैच्ड हिम इन अ सैंड बैग. जैसे आपने कई बार देखा होगा या सुना भी होगा कि जो हैन होती है वो एग पर बैठती है, उसको गर्मी देती है और उसके जो चिकन्स होते हैं वो हैच हो जाते हैं उसमें. तो यहाँ पर जो है सन को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल किया गया है. एंड ही हैड ब्रोकन हिज सेल एंड गॉट हिज हेड आउट. इसका डिस्क्रिप्शन है इस क्रोकोडाइल के बारे में कि लगभग 100 ईयर्स अगो ये इस सेल से बाहर आया होगा, एंड इसने इसका सर बाहर आया होगा, एंड इसने बाहर चारों तरफ देखा होगा. रेडी टू स्नैप एट एनी थिंग बिफोर ही वॉज इवन फुली हैच्ड. ये देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, क्या है, रेडी टू स्नैप. कहने का मतलब लगभग उसके DNA में ही है ऐसा, उसके नेचर में है, ये फोर्सफुली है कि शायद वो प्रॉपरली अभी हैच भी नहीं हो पाया था कि वो उसने स्नैप, वो रेडी था स्नैप करने के लिए. स्नैप का मतलब होता है अटैक करना, राइट, झपट्टा मारना जिसे कहते हैं, एनी थिंग बिफोर ही वॉज इवन फुली हैच फ्रॉम द डे. तो ये उस क्रोकोडाइल के बारे में है कि वो जब पूरी तरीके से हैच भी नहीं हो पाया होगा, दैट टाइम ही वॉज रेडी टू अटैक, राइट. सो इन दिस वे राइटर considers that crocodiles more than 100 years old, right, and the writer is telling here about his nature just from, right, his birth. Okay, I think that it's sufficient. It will be described in the next part.